तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी का, जो यूपीएससीटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि जो बी फार्मा के लिए कितने से कितने नंबर पे आपको कॉलेज मिल पाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना नंबर चाहिए होगा और आपका कम से कम कितना स्कोर होगा कि आपको एवरेज या ठीक ठाक सा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स वो मार्क्स होते हैं कि अगर उतने नंबर आपके आए हैं तो ही आप काउंसलिंग करा पाओगे, अगर उससे कम होते हैं तो आप काउंसलिंग नहीं करा पाते हो। और जो क्वालिफाइंग नंबर होते हैं वो 120 से लेकर 150 तक, मतलब 122-150 तक होते हैं, तो मे भी इस बार 150 हो जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला था। तो अगर बच्चों ने अच्छा स्कोर करा होगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, तो मैक्स टू मैक्स 150 क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। अगर आपके 150 से ज़्यादा आते हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे और आप 2-3 राउंड की जो काउंसलिंग होती है वो सारी काउंसलिंग देख सकोगे जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है। और अगर आपकी ठीक ठाक रैंक होगी, और जो फार्मेसी के लिए सेफ स्कोर होता है किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए, मतलब एवरेज या ठीक ठाक प्राइवेट कॉलेज होता है वो, अगर आप 200 प्लस स्कोर करते हो तो आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेट कॉलेज का। अगर आप ट्राई करोगे 2-3 राउंड तक देखोगे तो आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। ज़रूरी नहीं है आप जहाँ चाह रहे हो वहीं मिले, बट कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है अगर आपको, मतलब अगर आप सेफ स्कोर की बात करो तो 250 या 220 प्लस जो सेफ स्कोर होता है फार्मेसी में, अगर प्राइवेट कॉलेज के लिए। अगर वहीं अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो फिर, जैसे कि अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ, तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, अगर कितने से कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है यूपीएससीटी के अंडर में वो काफ़ी कम है। बहुत ज़्यादा होंगे तो 5 या 6 कॉलेज होंगे। अगर एक कॉलेज की अगर जनरल की सीट अगर आप एवरेज 40-50 में मांगे तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 200 सीट्स होगी। तो इसका मतलब है कि अगर आप 400 या 500 के अंदर आते हो, रैंक आपकी 400 से 500 के अंदर आती है, मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर आपकी रैंक 500 या 400 के अंडर में आती है और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको चांसेस हैं, अगर आप तीनों चारों राउंड की काउंसलिंग देखोगे तो हो सकता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। वहीं अगर आपके पास कैटेगरी है, अगर आप 500 रैंक के अंदर आते हो, तो आपके 100% चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज चाहते हो, अच्छे से अच्छा प्राइवेट कॉलेज चाहते हो, तो आपको अगर 200 प्लस या 250 प्लस भी स्कोर कर दो तो आपको एक अच्छे से अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है। फिर आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन से प्राइवेट कॉलेज अच्छे हैं, कौन सा अगर नहीं मिल पा रहा है तो इसके अलावा मेरे लिए कौन सा बेटर ऑप्शन होगा, ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा अभी टाइम है तो आप कर सकते हो। और वहीं अगर हम बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 150 प्लस हो सकता है इस बार, या फिर 140-130 प्लस ही रहेगा इसी के एवरेज में, मतलब 130 से 150 के बीच में ही रहेगा। अगर इससे ज़्यादा नंबर हैं आपके तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो तीनों राउंड की। और आंसर की से रिलेटेड एक अपडेट है, अगर आप आंसर की से सेटिस्फाइड नहीं हो, मतलब कि अगर आपको लगता है कोई 4-5 क्वेश्चन या फिर 1-2 क्वेश्चन ही नहीं सही दे रखे, उसके ऑप्शन गलत दिए हुए आंसर की में, और उसकी वजह से आपकी रैंक पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, मतलब कि अगर आपके वो एक क्वेश्चन सही हो जाए तो आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। पर क्वेश्चन के 200 रुपये हैं, मतलब कि अगर आप मे भी शायद 200 या उस फॉर्म के पैसे 200 हैं, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट आप उसे चैलेंज कर सकते हो जिसकी फ़ीस 200 रुपये है। और अगर वो कुछ अगर आप चैलेंज करते हो, ये 200 रुपये नॉन रिफंडेबल है, मतलब आप फॉर्म भर दोगे अगर वो चीज़ें सही होती हैं, अगर आपने जो चैलेंज किया जिस क्वेश्चन को उसका ऑप्शन सही में गलत था, वो यूपीएससीटी की कमेटी पैनल के थ्रू दोबारा से रीचेक करा जाएगा। अगर वो चैलेंज सही निकलता है तो वो क्वेश्चन का आपको रिवाइज्ड रिजल्ट अपलोड किया जाएगा और आपकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी कॉलेज के बारे में अगर आपको पूछना है तो आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो बायो में दे रखी है। थैंक यू।